इट्स ओके अगर तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और अगला बंदा तुम्हारी लाइफ से जाना चाहता है तो इट्स ओके टोटली फाइन. बस वो मेरा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. मेरा बंदा मुझे नहीं छोड़ सकता क्योंकि अगर वो मुझे छोड़ेगा तो उसको तो पता ही है. रुक तेरे को बताते थे This is no offense and let's start. Instagram पे घूम रही थी और मुझे मिली ये ज्ञान की देवी जो अभी YouTube में क्वीन बन के बैठी हुई है, मतलब रोस्ट वीडियो के. चलिए बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं. People be like, ये क्या तुम ब्रेकअप पैचअप हर दूसरे दिन में खेलते रहते हो. तुझे क्या हम खेलते हैं. हमारा फेवरेट गेम है ये ब्रेकअप पैचअप करना. ये हमारा रिलेशनशिप है. हम कोई भी गेम खेले. तुझे क्या बहन तेरे को प्रॉब्लम क्या है बता. ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस बनाती है. शक्ल तेरे मेकअप के पीछे ढकी हुई है. कमेंट सेक्शन में बंदा हो या बंदी सबको बहन बुलाती है. बचपन में बेड से गिर गई थी क्या. ऐसे सर में चोट वोट लगी है ना तो डॉक्टर को दिखा लेना. वैसे भी तेरा अभी भी बचपन ही चल रहा है. दिस इज फॉर माय बेस्ट फ्रेंड. क्यों तू अपने बॉयफ्रेंड को मेरी सारी बात जाके बताती है. क्यों मतलब मैं अपने सीक्रेट सारे तेरे को इसलिए बताती हूं ताकि तू अपने बॉयफ्रेंड को जाके बताए. तू पागल है क्या. क्यों तू जाके उसको बताती है. अब तुम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो मेरे बारे में बात करोगे. उफ ये और इसका बेस्ट फ्रेंड का नारा लगाती है ना हर एक वीडियो में. कहाँ है तेरा बेस्ट फ्रेंड. चल बता. नहीं बता कहाँ है बेस्ट फ्रेंड. कौन है तेरा बेस्ट फ्रेंड. अरे कौन है ये पीपल जो हमेशा इसके सर के ऊपर ऐसे नाचता रहता है. बहन तेरा रिलेशनशिप है. तेरे को जो करना है वो कर. कोई कुछ नहीं बोलेगा. कोई कुछ भी नहीं बोलेगा. कुछ की जगह क्या बोलेगा. बहन को रिलेशनशिप में भी रहना है और दूसरे का अच्छा खासा रिलेशनशिप ब्रेक भी करना है. बहन तो कहना क्या चाहती है करना क्या चाहती है बोल. गर्ल्स स्टॉप सेइंग कि लड़के कुत्ते होते हैं. लड़के कुत्ते नहीं होते हैं. कुत्ते लॉयल होते हैं. बहन को लड़कों से प्रॉब्लम है. बहन लड़कों को डॉग के साथ कंपेयर करती है और दूसरे लड़कों को बोलती है अगर लड़कियां पसंद नहीं है तो लड़कों को डेट कर ले. सुन मेरी बात. मैं तेरे को बोलती हूँ अगर लड़कों से इतना ही प्रॉब्लम है तो लड़कियों को डेट कर लिया कर. अपनी बेस्ट फ्रेंड को ही डेट कर ले जिसको तू हमेशा मारती रहती है. वैसे अगर वो एग्जिस्ट भी करती है ना तो. बहन खुद को क्यूट बुलाती है. बहन के इंस्टा अकाउंट में पहले यूट्यूब का लिंक नहीं था. वो तो रोहित बमनोला के वीडियो से पता चला इनको. बहन को एंगल और एंजल के बीच में फर्क नहीं पता. वो तो थगेश के वीडियो से पता चला इनको. बहन मेरी वीडियो से भी कुछ पता लगा ले कि कुत्ता पाल ले बिल्ली पाल ले पर गलत फहमी वो चीज कभी मत पालना. नो ऑफेंस सब्सक्राइबर देख अपना. यार सब्सक्राइब कर दिया करो तभी तो वो मेरी वीडियो से कुछ सीखेगी. बहन सुन तेरे को बिल्कुल क्यूट नहीं लगता. वो 10 साल से चल रही सीरियल की विलन की तरह दिखती है. तेरा ये फालतू लॉजिक सुन के ना मैं बस यही बोलूंगी तेरे को एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. अरे आशिका की सस्ती कॉपी राखी सावन की लाइट वर्जन डीजे मीनाल की छोटी बहन बंद करो ये खुले में हगना. यूज योर टॉयलेट. तेरी ओवर एक्टिंग के लिए 50 रुपए तेरे को देती और 150 रुपए मैं काट देती हूं. मेरा थोड़ा दूर रख लिया करो. ऐसे अचानक से वीडियो आती है ना तो मुंह से आ जाती है किडनी बाहर. यार एक ही तो फोन है मेरी टूट गया ना तो बस हो गया चैनल बंद. और लास्ट में तेरे को यही बोलूंगी भी शांति से रहो. अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी शांति से रहने दो अगर वो एग्जिस्ट करती है तो. और इंस्टाग्राम को भी शांति से रहने दो. इसको बैन मत करवाओ. ये बड़ी अच्छी बात. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं जल्दी. प्लीज लाइक इट इफ यू लाइक इट एंड टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टाटा. आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए क्यों. ताकि वो मुझे प्यार दे सके इमोशनल सपोर्ट दे सके. No bitch. ताकि मैं उसके साथ क्यूट रील्स बनाऊं. कपल गर्ल्स देखा आपने लापरवाही का नतीजा.